गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे नाउ वी स्टार्ट इंग्लिश मैजिक। चैप्टर नंबर है बेटा आपका 12, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट रीडिंग। लेट्स स्टार्ट। समीर इज नॉट ऑलवेज लाइक बाय हिज फ्रेंड्स। जो समीर एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, जो अपने फ्रेंड्स के उसके फ्रेंड्स जो हैं उसको ज़्यादा कुछ पसंद नहीं करते हैं। ऑलवेज लाइक बाय हिज फ्रेंड्स, समीर इज नॉट, ज़्यादातर उसको उसके फ्रेंड्स पसंद नहीं करते हैं। दैट इज़ बिकॉज ही डज नॉट ब्लाइंडली प्रेज अदर्स एंड इफ ही डज नॉट लाइक समथिंग ही पॉइंट इट आउट। क्योंकि जो समीर एक ऐसा बच्चा है, वो कभी भी किसी को ब्लाइंडली, यानी ऐसे नहीं है कि कुछ बच्चे अच्छे हैं, उसको ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को वो प्रेज नहीं करता है, उसकी तारीफ नहीं करता है। अगर उस कोई भी चीज़ तारीफ करने लायक है, अगर उसको प्रेज करने लायक है वो, ठीक है, तभी वो उस चीज़ को प्रेज करता है। अदरवाइज वो उसको प्रेज ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को अप्रिशिएट या प्रेज नहीं करता है। इस वजह से उसके जो फ्रेंड्स थे वो उसको पसंद नहीं करते थे, ठीक है। दे डज नॉट लाइक हिम इफ ही डज नॉट लाइक समथिंग ही पॉइंट इट आउट। अगर कोई भी चीज़ गलत होती थी या ठीक उसे अच्छी नहीं लगती थी तो वो उस चीज़ को पॉइंट आउट करता था, बताता था, ठीक है। समीर इज अ बैड बॉय हु ऑलवेज क्रिटिसाइज अदर्स, सेड एरिका वाइल टॉकिंग टू हर सिस्टर मोनिका अबाउट हर फ्रेंड्स, ठीक है। एरिका जो है समीर के साथ ही उसकी क्लासमेट है, एंड वो कहती है, शी सेड समीर इज अ बैड बॉय, कि समीर एक बहुत बुरा लड़का है, हु ऑलवेज क्रिटिसाइजेस अदर्स, वो दूसरों को क्या करता है, हमेशा क्रिटिसाइज करता है, दूसरों की आलोचना करता है, उनमें कमियां निकालता है। ओके, वाइल टॉकिंग टू हर सिस्टर, वो अपनी सिस्टर मोनिका से कहती है अपने फ्रेंड के बारे में, ठीक है, अबाउट हर फ्रेंड्स, के समीर जो है वो हमेशा अपने फ्रेंड्स की क्या करता है, क्रिटिसाइज करता है उनको, उनकी कमियां निकालता है। समीर नोज दैट मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स डू नॉट लाइक हिम फॉर हिज हैबिट ऑफ पॉइंटिंग आउट मिस्टेक्स। जो समीर है बेटा, समीर अच्छे से जानता है कि उसके फ्रेंड जो है उसको पसंद नहीं करते, क्योंकि वो हर एक चीज़ को क्या करता है, पॉइंट आउट करता है, उनकी मिस्टेक्स को वो पॉइंट आउट करता है। ही नो समीर नोज दैट मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स डू नॉट लाइक हिम फॉर हिज हैबिट ऑफ पॉइंटिंग आउट मिस्टेक्स। उसको जानता था समीर, अच्छे से जानता है कि उसके फ्रेंड जब वो मिस्टेक निकालते हैं अपने फ्रेंड्स की, तो इस वजह से जो उसकी ये हैबिट है मिस्टेक निकालने की, पॉइंट आउट करने की, तो उस हैबिट को उसके फ्रेंड्स पसंद नहीं करते हैं। बट ही डज नॉट वॉन्ट टू चेंज इट, बट वो इसको चेंज नहीं करना चाहता था। ही नोज दैट ही क्रिटिसाइज बिकॉज ही वॉन्ट्स टू हिज फ्रेंड्स टू ओवरकम देयर शॉर्ट कमिंग एंड बिकम इवन बेटर। वो इस अपनी आदत को, इस हैबिट को वो चेंज नहीं करना चाहता था, बिकॉज वो चाहता था कि जो भी उसके फ्रेंड्स में कमियाँ हैं, ठीक है, वो और कोई भी चीज़ जो भी वो वर्क करते हैं उसमें जो कमी है वो उससे उसको और ज़्यादा बेटर कर सकें, ठीक है। वो अपने फ्रेंड्स का भला ही चाहता था, बुरा नहीं चाहता था, बट उसके फ्रेंड्स को लगता था कि वो हमेशा हर एक चीज़ में कमी निकालता है, तो मतलब कि वो हमें पसंद नहीं करता है, इस वजह से वो कमियां निकालता है। बट ऐसा नहीं था, समीर जो है अपने फ्रेंड्स को बेटर करने के लिए उनमें जो कमियां होती थी वो उसको पॉइंट आउट करता था। एज एरिका केम टू स्कूल वन डे, एरिका जो है स्कूल आती है, ही वॉज वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होती है, ही वॉज वेरी हैप्पी। शीज हैड मेड अ वेरी ब्यूटिफुल पेंटिंग ऑफ एन एलिफेंट, ठीक है। वो एक बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल पेंटिंग बना के रहती है, किसकी बेटा, एलिफेंट की, एंड वो श्योर थी कि दैट्स द टीचर विल पुट इट अपॉन द इंफॉर्मेशन बोर्ड। उसको वो श्योर थी कि जो इन्फॉर्मेशन बोर्ड पे जो उसकी टीचर है वो उसको लगाने के लिए बोलेगी, ठीक है। शी शोड द पेंटिंग टू हर फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स को अपनी पेंटिंग दिखाती है, एंड दे ऑल प्रेज्ड हर अ लॉट ऑफ हर वर्क। उसके फ्रेंड्स जो हैं प्रेज करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं उसकी पेंटिंग की। बट समीर सैड इट इज़ अ नाइस पेंटिंग, बट द ट्रंक ऑफ द एलिफेंट इज टू थिन। जो उसकी ट्रंक है, यानी जो उसकी ये जो आप देख रहे हैं ना, उसकी जो ये सून जो है वो क्या है, वो बोलता है जो उसकी सून है बेटा, समीर कहता है कि जिसकी सून है वो काफ़ी ज़्यादा थिन है, यानी पतली है। इट विल लुक बेटर इफ़ यू मेक इट अ लिटल फैट, अगर तुम इसे थोड़ा सा मोटा कर दोगे तो ये और ज़्यादा बेटर लगेगी, अच्छी लगेगी, ठीक है। तो एरिका की पेंटिंग की सब बच्चे तारीफ करते हैं, बट जब वो समीर को दिखाती है तो समीर बोलता है कि इट इज़ गुड, ये अच्छी है, नाइस है, ये इट इज़ अ नाइस पेंटिंग, बट द ट्रंक ऑफ द एलिफेंट इज टू थिन, बहुत ज़्यादा पतली है ये, ठीक है। इट विल लुक बेटर कि ये और ज़्यादा अच्छी लगेगी इफ़ यू मेक इट अ लिटल फैट, अगर इसे तुम थोड़ा सा मोटा कर दोगी।
एरिका डिड नॉट लाइक दिस, एरिका को पसंद नहीं आता कि वो उसकी कमी निकाल, उसकी पेंटिंग की कमी निकालता है समीर. सो शी इग्नोर समीर्स एडवाइस, और वो समीर के एडवाइस को इग्नोर करती है, अनदेखा करती है, अनसुना करती है. शी हैप्पीली शोड हर पेंटिंग टू हर टू द टीचर, अपने टीचर को वो अपनी पेंटिंग दिखाती है खुशी खुशी. द टीचर प्रेज्ड एरिकाज पेंटिंग बट ऑल्सो पॉइंटेड आउट द सेम थिंग. जब एरिका अपनी टीचर को अपनी पेंटिंग दिखाती है तो टीचर भी उसी चीज़ को पॉइंट आउट करती है जिस चीज़ को समीर ने पॉइंट आउट किया था कि जो एलिफेंट की ट्रंक है वो बहुत ज़्यादा क्या है, थिन है. द ट्रंक इज टू थिन, वाई डोंट यू मेक इट अ लिटिल फैटर, क्यों नहीं तुम इसको थोड़ा सा और ज़्यादा मोटा करती हो, फैटर बनाती हो. एरिका डिड नॉट फील बैड, एरिका को फील बुरा नहीं लगता है अबाउट द टीचर एडवाइस, बट ऑल्सो रियलाइज दैट समीर्स क्रिटिसिज्म वॉज फॉर मेकिंग आवर पेंटिंग बेटर. और उसको रियलाइज हो जाता है, ये उसको महसूस हो जाता है, फील हो जाती है ये बात कि समीर जो है उसका बेटर, उसकी पेंटिंग को बेटर करने की वजह से ही उसको ये बोल रहा था कि वो ट्रंक को, एलिफेंट की ट्रंक को थोड़ा सा फैट बना ले. ठीक है, उसको इस बात का रियलाइज हो जाता है, इस बात का, और उसको समझ जाती है कि वो समीर जो है उसकी हेल्प ही करना चाहता था ताकि उसकी पेंटिंग और बेटर लगे. आफ्टर दैट शी स्टॉप्ड डिसलाइकिंग समीर, और उसके बाद से उसने समीर को डिसलाइक करना, नापसंद करना बंद कर दिया. एंड ऑलवेज टुक समीर सजेशन सीरियसली, और समीर जो भी सजेशन देता था बाद में उसको वो सीरियसली लेती थी. ठीक है, तो अगर आपको भी कोई सजेशन देते हैं तो आपको उन चीज सजेशंस को ध्यान से सुनना चाहिए. ठीक है, ये नहीं है कि हर कुछ सजेशंस गलत भी हो सकते हैं और कुछ सही भी हो सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा आप अच्छे से सोच विचार करके ही आपको क्या करना चाहिए, सजेशंस को एक्सेप्ट करना चाहिए. ठीक है, कोई भी अगर आपको सजेशन देता है, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, तो उसको आपको सीरियसली लेना चाहिए. ओके, तो स्टूडेंट्स आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेंगे एंड हम इसको टेक द करेक्ट ऑप्शन है, इनको हम डिस्कस करेंगे. समीर हैड अ हैबिट टू, समीर की क्या हैबिट थी बेटा, क्रिटिसाइजेस, हैबिट टू क्रिटिसाइजेस, हर चीज को वो क्रिटिसाइज करता था. एरिका मेड एंड, एरिका ने क्या बनाया था बेटा, एलिफेंट. ओके, एरिका मेड द ट्रंक, एरिका ने कैसी ट्रंक बनाई थी, थिन बनाई थी, वेरी थिन. ठीक है, एंड चूज द करेक्ट वर्ड्स टू फिल द फिल इन द ब्लैंक्स. समीर नोज दैट मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स डू नॉट लाइक हिम फॉर हिज हैबिट ऑफ पॉइंटिंग आउट मिस्टेक्स. बी इट विल लुक बेटर इफ यू मेक इट अ लिटल फैट, अगर तुम इसे थोड़ा सा मोटा कर दोगी तो ये और ज्यादा बेटर लगेगी. शी हैप्पीली शोड हर पेंटिंग टू द टीचर, टीचर को वो बहुत खुशी दिखाती है अपनी पेंटिंग को. आफ्टर दैट शी स्टॉप्ड डिसलाइकिंग समीर एंड ऑलवेज टुक समीर सजेशन सीरियसली. ओके, तो इसको आप अपने, ये सब जो है आपका बुक वर्क मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूंगी. ओके, थैंक यू ऑल, आप इस चैप्टर को एक बार अच्छे से रीड कर लेना बेटा.